चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आप लोगों को लग रहा होगा ये अमन भैया का डिटेलिंग स्टोर कहां से आ गया भाई। तो अमन भैया का ये वाला जो पूरा साइड है, ये हमारा सबसे पहला वाला साइड है जहां पर हम पूरी वर्किंग करते थे। हमारा एक और शोरूम जो इसके साथ में अटैच्ड है, तो अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हो तो वर्किंग जो है वो पूरी इनसाइड होगी। बारिश, मौसम खराब, गर्मी, सब कुछ जो है बढ़िया तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास फिर से इंडिया की अभी करंट पसंद, जिसको ना लेके लोग अब थार 4x2 खरीद रहे, ठीक है, वो है ब्रेजा गाड़ी। ये गाड़ी 12-13 लाख रुपए की आ रही है, मतलब अच्छा वेरिएंट इसका, और इतने का ही अब इतने का ही थार आ रही है। नहीं बहुत, मैं वही कहता था कि देखो कैनिबलाइजेशन होगी थार में बेस जो आ रही है 4x2 ब्रीजा और बलिनो और जिम्नी में, तो ये आपस में ही लोगों में कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। फ्यूचर ब्राइट है, मतलब इस सेगमेंट का फ्यूचर जो है सेगमेंट बहुत हॉट है, हॉट रहेगा, ठीक है। पाजी, अब जैसे हम लोगों ने एक वो वाली वीडियो दिखाई करेटा, बहुत सारे लोगों ने एग्जांपल देके भी उसमें ये पूछा कि भैया वो आपने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया हमको, वो हम लोगों को सेटअप काफी पसंद आया। अब अगर एक ब्रेजा गाड़ी हमारे पास आ जाई है, जो भैया की ये गाड़ी है, ये दिल्ली का ही नंबर है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं भैया जो आए, ठीक है, तो भैया ने कुछ आपको आके अपना बजट बताया था कि भैया इतना बजट है, इतने में वर्किंग करानी है, कुछ बताया था? देखिए बजट हमने बताया था, मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगा, और हमने एक अच्छा सेटअप किया है। देखिए ब्रीजा का ना बहुत ही वेरिड कस्टमर, अगर आप तीनों कार्स देखो, बलिनो जो न्यू आ रही है, ब्रीजा आ रही है और ग्रैंड विट आ रही है, क्योंकि इसमें बेस मॉडल वर्जन आ रहे हैं और बेस मॉडल बहुत हॉट चल रहे हैं, ठीक है। और बेस मॉडल में ना अब मोस्टली लोग वो टॉप टू बेस टू टॉप वाली कन्वर्जन वाले शॉप्स पे जा रहे हैं, करेक्ट, और वहीं पे अपना ऑडियो करवा रहे हैं। और बहुत सारी जो कार्स हैं वो अगर एक बेस लेवल पे करा रही है तो वो सेटिस्फाइड होंगी, आई थिंक 10, 15, 20, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो शायद मैं वो एक्सेसरीज नहीं कर पाऊंगा जो सारे जो एक्सटीरियर की लगती हैं या स्टेयरिंग रिमोट, लेकिन मैं ऑडियो आपको बहुत अच्छा दे सकता हूँ। तो ये बाइफरकेशन हमेशा रखिए कि ऑडियो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, तो आप एक्सेसरीज वालों के पास जाइए तो एक्सेसरीज कराइए। ऑडियो का स्पेशलिस्ट अगर आप अच्छी साउंड चाहते हैं, चाहे कम बजट में, आज मैं और मुसाफिर भाई आपको कम बजट की भी ऑप्शन दिखाएंगे, और जो Correct. आज हमने ब्रीजा करी है एक अच्छे लेवल पे वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो भैया का कुछ बजट था भाई, जैसे भैया ने बोला हो भैया मैं 50,000 लगाना चाहता हूँ, 60,000 लगाना चाहता हूँ, भैया का बजट था 50,000 के करीब, और भैया चाह रहे थे कि एक अच्छा स्टीरियो आ जाए और मेरे को चार अच्छे स्पीकर्स मिल जाए विद डिसेंट डैम्पिंग, तो उसी हिसाब से किया। जस्ट हमने कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करे कि अब हमें वायरलेस एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले चाहिए था, तो वो हमने पाइनियर में ऑप्शन एक्सप्लोर किया, और स्पीकर्स में उन्होंने एरीज बहुत सुना हुआ था, तो हमने एरीज किसी तरीके से बजट में वर्किंग करी, तो हमने वही सेटअप किया, और वही अभी डिटेल में आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। पर ये वेरिएंट कौन सा है, टॉप मॉडल है, बेस मॉडल है? ये बेस मॉडल वेरिएंट है, ठीक है, ये बेस मॉडल है। इसमें पहचान, अब इसमें कैमरा हमारा लगा दिया था ऐसे ना, ये आपने लगाया पाजी? हाँ, इसमें कैमरा हमने लगाया, तो आप कैमरा भी अगर आप लोग स्टीरियो लगवा रहे हो तो भैया लगाएंगे, कहीं बाहर से कुछ और लगा के मतलब लगा सकते हैं, अभी स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह हम नहीं लगाते, ठीक है, जहाँ आपका प्रॉपर एक्सेसरीज आ रहा है वो आराम से मैच वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके एक बार आप लोगों को बूट स्पेस के बारे में बताता हूँ, तो इसमें बूट स्पेस जो है आप लोगों को इतना मिलता है, तो पाजी इसमें सबवूफर सबसे डिसेंट कौन सा रहेगा अगर आपके अकॉर्डिंग? देखिए आज के टाइम पे अगर आपको बहुत स्पेस नहीं कंज्यूम करानी, तो आपको 8 इंचेस के ऑप्शन तो थार के साथ शुरू हुए थे, तो वो अब हर गाड़ी में बहुत पॉपुलर हो गए, तो इसमें वो मजा आ जाएगा उनको सुनने में। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को एक हैवी डीप बेस वाली ऑप्शन भी आए, ठीक, तो आप वो सबवूफर डेफिनेटली प्लान कर सकते हो इस गाड़ी में। इसमें हमने अभी कोई सबवूफर एसेस प्लान नहीं किया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो लगाया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा मैं आने में लेट हो गया था, तो सबसे पहले पाजी इसमें ट्विटर का ये जगह जो आता है, ये तो आता है कि नहीं आता, कैसे आता है ये? इसमें ट्विटर की पोजीशन दी हुई थी, सब कुछ दिया था, ग्रिल्स भी बनी आती है, लेकिन एरीज का ट्विटर थोड़ा सा बिगर है, लेकिन हमने बिल्कुल स्टॉक मैच में बढ़िया लग रहा है, मतलब जैसे स्टॉक ही होगा। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल ओरिजिनल में बहुत अच्छा इन्होंने टेपर्ड दिया हुआ है, ताकि एंगलिंग भी बहुत अच्छी, सेंटर स्टेजिंग हो जाती है, वेरी नाइस, उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया हुआ था। अच्छा भाई, डैम्पिंग के बारे में अगर बात करूं, डीडी की हम लोगों ने सबसे टॉप नॉच वाली डैम्पिंग करी है इसमें। हाँ, ये डीडी की ब्लैक प्रोफेशनल सीरीज है, हमने बहुत सारी वीडियो में दिखाया है, मैंने वही कहा कि डीडी की गोल्ड भी अवेलेबल होती है, लेकिन गोल्ड काफी बेसिक कैटेगरी में आ जाती है, और ब्लैक प्रोफेशनल सीरीज बहुत ही प्रीमियम में, जो इसकी एल्यूमिनियम थिकनेस है, जो इसकी स्टिकीनेस है, जो इसकी बिल्ट है, बहुत ही बेटर क्वालिटी है, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसकी डैम्पिंग के बारे में पर्सनली अगर बात करूं, तो अगर इस गाड़ी में कोई केवल अपने चार दरवाजे और अपनी डिक्की डैम्प कराने आ रहा, तो एक मिनिमल कॉस्ट क्या हो जाएगी कोई बिल्कुल बेसिक डैम्पिंग की, लेकिन अच्छी डैम्पिंग हो? देखिए अगर डीडी आप छोड़ दो, तो और अच्छी डैम्पिंग में अगर आप चारों डोर्स और डिक्की, डोर्स में डबल लेयर डैम्प होगी, डिक्की में सिंगल लेयर डैम्प होती है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 6-7,000 से स्टार्ट हो जाती है। 6,000 रुपए में पूरी डैम्पिंग हो जाएगी? पूरी डैम्पिंग हो जाती है, और वो भी अच्छी रशियन ब्रांड की है, वेरी नाइस। मार्केट में मेरे पास भी आई है एक दो लोकल ऑप्शन, मैंने भी ट्राई नहीं करी, लेकिन वो तो 5,000 में होगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, एटलीस्ट गो फॉर 6-7,000 ऑनवर्ड्स ऑप्शन। सिंगल लेयर आप कराते हो, हम सिंगल लेयर भी बहुत गाड़ियों में कर रहे हैं, जैसे इसमें भी हमने सिंगल लेयर डैम्प करी है, ठीक है, डीडी में तो चारों डोर्स ही
कर रहे हैं इसमें, क्योंकि कोई वूफर वगैरह हम नहीं लगा रहे, तो सिंगल लेयर डैम्प इवन डीडी में आपके अराउंड 4500 टू 5000 में हो जाती है। वेरी नाइस। और अगर आप बेसिक ब्रांड्स में जाओ तो आपकी 2800 3000 से स्टार्ट हो जाती है। वेरी नाइस। तो मतलब आपको हर कॉस्टिंग के अंदर ये चीज अवेलेबल हो जाएगी। ये हम लोगों का एरीज का कंपोनेंट लगा है पाजी इसके अंदर। हाँ जी, ठीक है। और आप लोगों का ट्विटर का पूरा प्लेसमेंट यहीं पर होता है, क्रॉस ओवर्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पाजी अगर मैं पोजीशनिंग के बारे में बात करूं, अब ये कई सारे लोगों के दिमाग में ये भी वो बन जाता है, क्योंकि एक सेटअप हम लोगों ने यहाँ वाला दिखा दिया, एक सेटअप वाला यहाँ पर दिखा दिया, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ वाला सेटअप ज्यादा अच्छा साउंड करता है यहाँ पर वाला। देखिए ब्रीजा में ये ऑप्शन है कि आप देखोगे जब मैं बंद भी कर रहा हूँ तो ये आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा एक बेनिफिशियल ऑप्शन होता है। बाकी कई जगहों पे बलिनो में जैसे है तो फ्लैट वो ऑप्शन है, तो वहां पे फ्लैट रह जाता है, तो उस तरीके से ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है। और ब्रीजा पर्सनली जैसे फॉर्च्यूनर में भी आता है, तो फॉर्च्यूनर में भी हमने बहुत सारे सेटअप दिखाए हैं, तो उसमें भी यहाँ पे कस्टमाइज होके फिटिंग हो जाती है, जो थोड़ी टेपर्ड होती है, तो हमेशा साउंड बेटर होती है। लेकिन इसमें रिस्क क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं पसंद करते, तो अमेरिकन जो जैसे JBL इन्फिनिटी का ही लोग लगा जाते हैं, वो बहुत ही तीखे और बेसिक स्पीकर्स होते हैं। करेक्ट। तो वो इस पोजीशन में और ज्यादा अटैक करते हैं जो आपके कान खाते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं ना भैया मजा नहीं आ रहा कान खा रहे हैं साउंड, तो वो फिर चीजें आप अवॉइड करो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर भाई गाड़ी की चाबी लगी होती तो मैं आप लोगों को दिखाता, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा चाबी ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर पायनियर का स्टीरियो लगाया। अब जो भी पायनियर का स्टीरियो लगाता है ना, तो पहला तो मेरा क्वेश्चन पाजी से ही होता है, पाजी वो ऑडियो लवर ही है भैया? एग्जैक्टली, तो इनका फर्स्ट क्राइटेरिया यही था कि मेरे को स्टीरियो अच्छा चाहिए। देखिए थोड़ा सा हाँ स्क्रीन इसकी स्मॉल लगेगी, लेकिन ओरिजिनल 7 इंच की स्क्रीन होती है। कौन सा मॉडल है ये? इसका 5450 मॉडल है, जिसमें वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आता है। तो इसमें अब हमारे पास ऑप्शंस देखिए एंड्रॉइड की भी आ गई हैं, जो कि अराउंड 9-10,000 से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन कभी साउंड में नहीं फील होता। ठीक है भाई, तो आप लोग इसका इंटरफेस भी देख सकते हो, और आपका बजट जैसा भी हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग को इतना टॉप नॉच ही लगाना है, अगर आपका बजट कम है तो आप लोग सस्ते वाला भी लगा सकते हो। इसका स्टीरियो कितने का शुरू हो जाता है पाजी, बिल्कुल बेसिक? देखिए कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो या बेसिक इनका हो गया है, तो सोनी में जो स्टीरियो है वो अराउंड 15,000 से स्टार्ट, 15,000 रुपए से अच्छी चीज मिल जाती है, और पायनियर में अराउंड 18-19,000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपके बजट में आप लोगों को पूरा फिक्स मिलेगा, ये चीज हो गई इसके बारे में पाजी। अब अगर हम लोग बात करें मोटी मोटी, भैया ने कितने पैसे स्पेंड किए जिनकी ये गाड़ी है? हाँ, तो अभी जो इसमें हमारा जो ओवरऑल बजट जा रहा है वो अराउंड 68-69,000 के करीब जा रहा है। ठीक है, इसमें हमने चारों एरीज के कंपोनेंट और पायनियर का वायरलेस एप्पल कारप्ले वाला स्टीरियो लगा है, कैमरा। अब वही, अच्छा भाई इसमें आपने कुछ चीजें भी मिस आउट कर दी, मैं बताना चाहूंगा भाई। जैसे हम लोग ये पूरा का पूरा सेटअप लगा रहे हैं, तो इसके साथ में जो वायरिंग होती है वो भी चीज आप बता दीजिए, इसमें क्या हमने वायर यूज करा, कॉपर वायर थी क्या थी, मतलब वो तो वायरिंग होती है, कपलर्स लगते हैं, रिंग लगती है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से हो तभी साउंड बिल्कुल इमर्सिव हो जाती है। ठीक है, और अभी आप जो ये साउंड सुनने वाले हो आपको ये लगेगा ही नहीं कि एक स्टीरियो के साथ चार कॉम्पोनेंट बज रहे हैं, मतलब आपको पूरी एम्पलीफायर वाली पूरी किकैस मिडवेस वाली फील आएगी, तो आप खुद कहोगे कि हाँ यार दिस इज समथिंग डिफरेंट। वेरी नाइस, तो ये तो बात हो गई पाजी की तरफ से। अब एक बार कस्टमर फीडबैक लेते हैं कि उनको स्टॉक में कुछ मिलता भी था कि नहीं मिलता था, और ये होने के बाद उनको कैसा लगता है। ब्रेजा का आप लोगों को एक सेटअप हमने करीबन 60 और 70 हज़ार का बता दिया आप लोगों को। अब इसके बाद पाजी ने यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक जो है वो इन कर रखे हैं, तो पाजी और क्या है जो बजट फ्रेंडली है? 60-70 थोड़ा बजट से लोगों के ऊपर चलेगा। बहुत मैं सही कह रहा हूँ कि आप हम फिर वीडियो दिखाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं इनके पास जाना है तो बहुत पैसे लग जाएंगे। एवरेजली मैंने जो देखा है कि बलिनो ब्रीजा ग्रैंड विटारा जो कि बेस मॉडल ले रहे हैं उनका एवरेज बजट होता है 25-35,000। बिल्कुल करेक्ट, तो ये 25-35,000 रुपए की अभी मैं हम इसमें वीडियो बना रहे हैं, ये ब्रेजा के बीच में आएगा, लेकिन मैं आपके साथ एक स्पेसिफिक वीडियो करूंगा। ठीक है, दो तीन प्रोडक्ट्स की और वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं वर्किंग जरूर करके दूंगा। और 2023 में कोई पटाखा बजाओगे कि मतलब बिल्कुल? बहुत सारे देखिए मैं नहीं चाहता, आई डोंट नो, ऑडियंस कई बार डरती है कि हम नहीं जाएंगे मोटर कॉन्सेप्ट, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन वो बात मैं आपकी खत्म कर दूंगा कि आपको नहीं लगेगा कि हाँ यार अगर हम बेस लेवल का भी सामान लगाने जा रहे हैं, बट एटलीस्ट आप बिल्कुल वो मत कर देना कि यार उससे नीचे हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें मेरे को ये दिख, मैं कई बार कोई किसी को मेरे को बताता है तो मेरे को 10,000 रुपए में भी 4,000 के एंड्रॉइड लग रहे हैं और 4 को एक्सेल लग रहे हैं, तो वो 10,000 का तो सेटअप मैं नहीं करूंगा कभी। तो मैं पर्सनली आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा। अब ये चीज आप लोग बोलोगे भैया आप तो यार XYZ एंड्रॉइड के बारे में बहुत बारी बोलते हो हम लोगों को, लेकिन भाई अगर आप मोटर कॉन्सेप्ट में आ रहे हो, मेरा आपसे दोनों हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग बिल्कुल हाई एंड ऑडियो की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, गो फॉर ब्रांडेड ब्रांड्स लाइक पाइनियर आप लोगों का, सोनी, कैनवर्ड, या फिर आपके मतलब जो बजट में फिट हो सके, लेकिन आप इन्हीं के लिए लगाओ, नहीं तो बाद में आप भैया को ब्लेम मत करो, क्योंकि एंड्रॉइड के साथ में थोड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि आउटपुट में फर्क आता ही आता है, और वो 18-20 का फर्क आता है। डेफिनेटली आता है, देखिए मैं भी नहीं डिनाई करता, लेकिन आज के टाइम पे मुझे आप लोगों की भी वो एक्सपेक्टेशन है कि आपको बड़ी स्क्रीन का एक शौक हो गया, एक टाइम फैक्टर, देखिए हमें आज तक शौक नहीं पड़ा,
हम आज भी अपनी कार्स में, और आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि ऑप्शन चेंज करने का भी हुआ तो मैं अपने स्टीरियोज, आज भी मैंने 4 या 5 पाइनियर कैनवुड के ओल्ड स्टीरियो संभाल के रखेंगे, साउंड बनाएगा तो यही बनाएगा। तो वो रीजन है कि मैं आपको ये 2-3 ऑप्शन दिखा रहा हूँ। सोनी में भी ऑप्शंस हैं विच इज प्रिटी रीजनेबल, अब बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहेगा आपको एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कार में आपको चाहिए। यूट्यूब में वैसे ही कहता हूँ कि अवॉइड करो ऑन ड्राइविंग, लेकिन अगर आपको यूट्यूब चाहिए भी तो यूट्यूब के लिए वेबलिंक की इनके ऑप्शन होते हैं, लेकिन बहुत रिकमेंडेड नहीं होती, कंपनीज भी रिकमेंड नहीं करती और क्वालिटी बहुत हाई नहीं होती। हाँ, तो क्वालिटी बफर्ड रहती है। तो सोनी का एक 3200 मॉडल है, पाइनियर का 5290 मॉडल लेजेंडरी मॉडल है, करेक्ट, और एक ये 5450 आया जो वायरलेस मॉडल है जो आज हमने अपनी ब्रेजा में दिखाया। तो ये जो रेंज है ये अराउंड 15-16,000 कॉस्ट करता है, ये थोड़ा फ्लक्चुएट होता है 17,000 से 20,000 के बीच में ऑन अवेलेबिलिटी। दिस इज अराउंड आई थिंक 27-28,000 के करीब का ये यूनिट है। तो ये आपके यूनिट है जो ब्रांडेड में आ जाते हैं विच इज नॉर्मली एक्सपेंसिव। एंड्रॉइड्स भी हमारे पास अवेलेबल है डिसेंटली, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता लेकिन 10,000 रुपए से वो भी स्टार्टिंग हो जाती है, टिल आई थिंक 20,000 के बीच में 3-4 ऑप्शंस है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी बाइफिकेशन कैसे करनी है। लेट्स से आपका बजट एक 30-35,000 का बजट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टीरियो पे देखना है कि आपका, आपने 7 इंच की स्क्रीन पे आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर आपने नहीं, जी मैंने 9 इंच ही लगाना है, तो लेट्स प्लान एन एंड्रॉइड स्टीरियो, और एंड्रॉइड स्टीरियो अगर एक डिसेंट क्वालिटी का आपका होगा तो 12-14,000 आपका एंड्रॉइड का एक्सपेंस हो जाता है। अब हमारे पास बचते हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम कैमरा भी लगा दें तो 15-16,000 रुपए का टोटल कैमरा फ्रेम वगैरह हो जाता है। अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 15-20,000 बचते हैं ऑन कंपोनेंट्स। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हाँ 30-35,000 में हो। तो उसमें हमारे पास अब जो 2-3 ऑप्शन लाइव में है, एक मैंने ये ऑप्शन आपको हमेशा दिखाई है मॉरल की मैक्सिमो MK6 MK2 वाली, और इसके साथ इसी का कोएक्सल। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये अराउंड 12,000 रुपए का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसमें आपका कॉम्पोनेंट और कोएक्सल भी आ जाता है। इसी के साथ आप कुछ डैम्पिंग भी करा लोगे तो 3,000 रुपए की चारों डोज की सिंगल डैम्पिंग भी हो जाती है। तो 15,000 और 15,000, तो 30-32,000 में आपका बहुत अच्छा सेटअप डुएबल है। इसी से हम थोड़ा सा बेटर आ जाते हैं, तो फिर मैंने आपको ऑलवेज कहा है कि DLS का MK2 और इसी के M326 कोएक्सल का कॉम्बो भी बनता है, तो ये अराउंड 17-18,000 रुपीज़ का कॉम्बो बनता है। तो अगर आप थोड़ा सा बेटर जाना चाहते हो मैक्सिमो से, बेटर बेस, बेटर क्लैरिटी, तो ये सेटअप आपका अराउंड 35,000-37,000 में डुएबल है। करेक्ट, तो यही ऑप्शन है। इसमें पावर बेस भी है, ग्राउंड जीरो भी है, अंडर 40, ये बहुत सारी ऑप्शन है। पावर बेस कहाँ पर है? पावर बेस का ये ऑप्शन है, ठीक है, पावर बेस का आपका ये भी अवेलेबल है। हाँ, ठीक है, ग्राउंड जीरो का भी है, इरिडियम सीरीज, इससे भी एक बेटर सीरीज एक बन के आ रही है जो भी हम अनाउंस करेंगे फ्यूचर में 2023 में। आप कह रहे हो ना क्या क्या पटाखे पूछेंगे, तो बहुत एंट्री लेवल में ही बहुत क्वालिटी। आपको सोच के देखो, आप केवल 30-35,000 रुपए में आपको क्वालिटी ऑफ वर्क, मोटर कॉन्सेप्ट की प्रिसाइज चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ में आप लोगों को हर प्रोडक्ट के साथ गारंटी वारंटी मिलेगी। एग्जैक्टली, तो जो भी आप चीज लगा रहे हो, चाहे आप एंड्रॉइड लगा रहे हो, तो आप माइंड में मेकअप कर लेना था कि हाँ साउंड में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा लेकिन फीचर ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हो साउंड में भैया कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, इवन इफ आई एम स्पेंडिंग 30,000 आई वांट अ वेरी गुड साउंड, देन गो फॉर दीज हेड यूनिट्स। मैं आपको मुसाफिर भाई बता रहा हूँ कि 8-10 years बैक जब हम स्विफ्ट वगैरह करते थे, जब बेस मॉडल गाड़ी आती थी ना, तो हम बहुत खुश होते थे कि हमें लगता था हम बहुत अच्छी साउंड बनाएंगे, क्योंकि हमें पता होता था कि स्टीरियोज अच्छे लगने हैं तो साउंड हम बेसिक स्पीकर्स भी बजा देंगे। तब जो हम कहते थे कि इन्फिनिटी JBL नहीं बजता, इन्फिनिटी JBL भी ठीक बज जाता था इन स्टीरियोज के साथ। Correct. तो इतना बेनिफिट आपको अच्छे स्टीरियोज से मिलता है। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, आई डोंट नो सोनी पाइनियर कब तक ये स्टीरियोज बनाएगी, इनकी मार्केट बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग है, क्योंकि ये इतने कम रेट में जिस क्वालिटी का सामान देते नहीं, लेकिन जब तक ये बना रही है आप लोग याद करोगे कि यार किसी टाइम पे वो स्टीरियो आते थे और हमें मजा आ जाता था साउंड में। बिल्कुल भाई, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है ये सब चीजें यहाँ पर समझ आ गई होगी और आप लोगों को एक आइडिया मिल चुका है। चलिए अब चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं गाड़ी का आउटपुट जो आपको सुनने को कैसा मिलता है। भैया ने जो है यहाँ पर फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, भैया लोगों के पास स्विफ्ट थी। भैया कहाँ से आए आप लोग? द्वारका मोड़ से। तो भैया हमारे पास से आ रखे हैं। तो भैया कैसा हुआ काम? बहुत मजा आ गया भैया, दिल खुश हो गया, बढ़िया। पार्टी देंगे हम, होटल लाइन से हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है भाई, जब भी एयरपोर्ट पे आएंगे हमारे लॉन्जेस हैं, ठीक है, मॉल में आओ कभी, दरियागंज में, दरियागंज में बनाई है, हमें भी दे देना पार्टी। हाँ बिल्कुल सर, दरियागंज मेरा फेवरेट, आप तो रिव्यू करोगे हमारे लिए, कंट्रोलर है मैनेजर, इस वाले में आप होते हो, सामने होते हैं हम। Cause I heard it helps, but same old way I felt. Resting on my shoulders, cold night in a sleepless bed. White eyes with a glaze of red. I'm going round and round. They won't let me out. When I swim, I'm drowning. We'll be right back.
भैया का फीडबैक हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले भैया, ब्रेजा कैसी कार है अगर लोग प्लान कर रहे लेने का? टू बी ऑनेस्ट, आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद मारुति। दे चार्जिंग अ प्रीमियम ऑन द कार। अभी आपसे भी चार्ज हुआ क्या? या या, कितना कितना? देन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, आई विल टेल यू ऑफ कैमरा। ओके, बट देन आफ्टर दैट उनकी बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी दे रहे हैं, अंडरटेकिंग साइन करा के। ओह शिट, यू आर रिस्पांसिबल इफ यू गेट कॉट। सेकंडली, दे चार्ज यू फॉर द बेसिक किट एक्सटेंडेड वारंटी, यू कांट एस्केप दैट, यू हैव टू बाय इट। उसके बावजूद उनको पूरे पैसे दे दिए, बेसिक किट एक हफ्ता हो गया नहीं आई उनके पास, कुछ अता पता नहीं कब आएगी क्या होगा। तो स्कैम चल रहा है, स्कैम चल रहा है दबा के। चलो कोई बात नहीं, अब हमारे रियल फीडबैक के लिए पाजी के हम चाहेंगे कि कैसी आपको आवाज लगी, एक बार थोड़ा बताइए उसके बारे में। मी एंड माय फ्रेंड द ओनर ऑफ द कार, वी हैव बोथ सीन न्यूमरस वीडियोस ऑन योर चैनल ओनली। ओके, एंड वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, नो कंप्लेंट्स, नथिंग एट ऑल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। स्टॉक वर्सेस अगर मैं वो देखूं, इसमें तो स्टॉक है ही नहीं, कुछ नहीं आता था ना, तो बिल्कुल प्लेन एसपी। तो ये प्लस पॉइंट भी है जिनके लिए, जिनको ऑडियो का शौक है, विश टू इन्वेस्ट इन ऑडियो, तो दे शुड गो फॉर एलेक्सा फॉर श्योर, वेरी नाइस, ताकि उनको अच्छे स्पीकर्स, व्हाटएवर दे विश टू, दे कैन गेट दैट डन। थम्स अप कर दीजिए सर, थैंक यू। अच्छे फीडबैक के बाद वीडियो एंड करना तो बनता है भाई, और फीडबैक आप लोग हमें जरूर दीजिए, चाहे हम कुछ बुरा कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, चाहे हमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, हम लोग हर चीज़ पॉजिटिवली लेंगे। बाकी जितने भी लोग कहते हैं कि भैया आप एक्सपेंसिव हो, आप ये हो वो हो, मैं आप लोगों को पर्सनली दिल से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग स्टोर पे आओ, विजिट करो। आप लोगों के लिए भैया ने आज भी 10,000 रुपए का एक सेटअप तैयार रखा है। अभी भी स्विफ्ट में सेटअप हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल लाइव, बिकॉज़ उसका सेटअप बना भी रेडी होगा, मैं इतनी ट्रांसपेरेंटली दिखाता नहीं। देख लो भाई, पाजी आप लोगों को ऑन कैमरा आज वो चीज सेटअप चेक करा देंगे, ठीक है? चेक कराता हूं रेडी, क्योंकि अब गाड़ी हमारे पास आज सुबह से वर्किंग के लिए बहुत सारी है, ठीक है? ये देखिए, अब ये 37,000 रुपीज का इसका सेटअप है, ठीक है? अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है? इसमें अब आपका देखिए, हेड यूनिट भी आपका आ रहा है, आई थिंक एंड्रॉइड शीरो लग रहा है, अच्छा ब्लॉपंग का ही लग रहा होगा, ठीक है? और कंपोनेंट्स चारों डोर्स में कंपोनेंट्स लग रहे हैं, फ्रेम कपलर सारी चीजें लग रही हैं, प्रॉपर रिंग गार्ड के लग रहे हैं, चारों डोर्स पे डैम्पिंग भी हो रही है, और वो भी कोई हल्की डैम्पिंग नहीं हो रही, अच्छी ब्रांडेड डैम्पिंग हो रही है, वाइब्रो फिल्टर की इंस्टॉलेशन प्रॉपर होगी। तो ये सेटअप ओवरऑल मिला के आपका अराउंड 37,000, विच इज कंप्लीट स्विफ्ट, हम पूरी रेडी कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को लगा स्विफ्ट है कहां, चला के आपको समझा रहा था कि ये पॉसिबल है, शुक्र है कि एक हमारे पास लाइव एग्जांपल और वो बंदे आए हुए हैं स्पेशली बाहर से, तो उनका हम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है भाई? तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताना, सारी वर्किंग मोटर कॉन्सर्ट वाले भैया कर रहे हैं, मोटर कॉन्सर्ट वाले भैया की ना तो कोई ब्रांच है, अगर कोई कभी बोले कि हाँ मोटर कॉन्सर्ट वाले भैया के वहीं से आप हमें ऑर्डर दे दो, ऐसा भी कोई सीन नहीं है, भैया खुद सब कुछ वर्किंग करते हैं। हमारा एक ही स्टोर है जो कि हमारा मोतीनगर के अंदर सिचुएटेड है, एड्रेस नंबर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में है, नंबर हम लोग फ्लैश भी कर रहे हैं, जब भी आना है भैया से बात करके आओ। और मैं अभी भी बोलना चाहूंगा, वी आर नॉट एक्सपेंसिव, वी आर गुड, हम एक्सपेंसिव नहीं है, हम अच्छा काम करने में यकीन रखते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर से जाओ तो हम एक्सपेंसिव है, वी नीड आवर लिटिल बिट मार्जिन टू सर्वाइव वेल, लेकिन हम उस चीज की आपको भरपाई करके देंगे विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड गुड सर्विसेज। वेरी नाइस, ठीक है? वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम मुसाफिर तगेरा, फेसबुक मुसाफिर कार्स, ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।